राजस्थान के कुछ भागों के अंदर तेरा ताली नाम से एक नृत्य किया जाता है। ये नृत्य विशेषकर कामड़ जाति के लोग करते हैं। कामड़ जातियों का संबंध एक प्रकार से धार्मिक गुरु के रूप में है और ये लोग मेघवाल अर्थात भांभी एक जाति है, उस जाति के गुरु की तरह से कार्य करते हैं। मुख्य रूप से ये लोग भांभी जिन देवताओं के भक्त हैं अर्थात रामदेव जी, और ये रामदेव जी के पुजारी के रूप के अंदर जाने जाते हैं। नृत्य का रूप इस अर्थ के अंदर है कि कामड़ स्त्रियां अपने पांवों पर, अपने हाथों पर, अपनी बाहुओं पर और अपने सर के ऊपर मंजीरे को बांध लेती हैं और मंजीरे को आघात करने के तरीके हैं जो हाथ के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ये तो इनका एक नृत्य का प्रकार हुआ। ये नृत्य वस्तुतः बैठ कर किया जाता है, तो इसमें दो या तीन स्त्रियां नृत्य करने वाली होंगी और एक या दो आदमी या तीन आदमी इसके साथ संगत करने वाले होंगे जो कि वाद्य बजाएंगे। रामदेव जी के साथ मुख्य रूप से तंदूरा एक ऐसा वाद्य है कि जो इनके साथ जुड़ा हुआ है। तंदूरे का रूप इस प्रकार है कि एक ये तानपुरे के समान एक वाद्य है, लेकिन इसके ऊपर पांच तार होते हैं। इसको बजाने की विधि भी जो शास्त्रीय संगीत का तानपुरा है उससे भिन्न है। शास्त्रीय संगीत का तानपुरा दाहिने से बाईं ओर बजाया जाता है, जबकि ये जो तंदूरा है ये बाईं से दाईं ओर बजाया जाता है, और उसको बजाने की विधि ऐसी है कि जिसके अंदर पर्कशन या रिदम या लय जिससे स्थापित होती है। रामदेव जी स्वयं संत थे, लेकिन उन्होंने स्वयं कोई संत काव्य की रचना नहीं की, लेकिन उनके एक भक्त शिष्य थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें रामदेव जी के ऊपर रचित की हैं। उसके बाद में अनेकों उनके भक्तों में से रामदेव जी की जीवन की विभिन्न घटनाओं को जिन्होंने गाया है, लेकिन जमे और जागरण के अंदर गाई जाने वाली चीजों के अंदर मीरा, कबीर, तुलसी, रैदास, धर्मीदास और अनेक नाथ संप्रदाय के, राम सनेही संप्रदाय के, दादू पंथ के अनेक प्रकार के जो निर्गुणी भजन हैं, वो निर्गुणी भजन इन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। Bye.
मंजीरे को उपयोग लेने के दो तरीके इनके पास मुख्य रूप से हैं। एक को ये छूट मंजीरा कहते हैं, जिसके अंदर एक मंजीरे के साथ एक लंबी रस्सी होती है कि जिसको वो दूर से फेंक करके दूसरे मंजीरे पर आघातित कर सकती हैं। आज
Para mover.
सतारा नाम का एक वाद्य है। अब सतारा भी इसको कहते हैं, पावा जोड़ी भी कुछ क्षेत्रों में कहते हैं, और अलगोजा भी इसका नाम है। तो अलगोजा, सतारा और पावा जोड़ी वस्तुतः एक ही विशिष्ट प्रकार के वाद्य का नाम है। ये सोशेर वाद्य या फूंक से बजता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दो बांसुरियां एक साथ बजती हैं और वो फूंक से बजती हैं। फूंक देने की एक विशिष्ट विधि है जिसको नक्शासी कहते हैं या जिसको दम घोटना कहते हैं, अर्थात जिसके अंदर आप नाक से श्वास लेंगे और मुंह से आप एक तरफ निकालेंगे और कुछ भाग आप अपने शरीर के अंदर लेंगे, इसको नक्शासी कहते हैं। नक्शासी के बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बांसुरी केवल श्रुति देती है, अर्थात सिर्फ ड्रोन देती है, और दूसरी बांसुरी को बजाया जाता है। यहाँ पे ये बात भी समझ लेना बहुत आवश्यक है कि ये वाद्य वस्तुतः पेशेवर गायक जातियों का नहीं है। ये मुख्य रूप से वाद्य पशु पालक चरवाहों का है। तो वो चाहे भेड़ पालो, चाहे गाय पालो, चाहे ऊंट को पालो, वो लोग जब जंगल में अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं उस समय जो वाद्य ये अपने काम में लेते हैं वो वाद्य ये सतारा, अलगोजा या पावाजुड़ी है। क्योंकि ये एक संपूर्ण वाद्य अर्थात इसमें एक पूरा सप्तक बजाया जा सकता है और सप्तक के सभी सुरों को काम में लिया जा सकता है, अर्थात 12 ही सुरों को काम में लिया जा सकता है। इसकी वजह से ये वाद्य जो पेशेवर गायक जाति के लोग थे उन लोगों ने भी बजाना प्रारंभ किया। और ये जो अब इसके ऊपर चीजें बजाते हैं वो वस्तुतः जो चीज ये गाते हैं वो इसके ऊपर बजाते हैं। लेकिन जो लोग पशुपालक स्थिति के अंदर हैं और इसी वाद्य को बजाते हैं वे लोग किसी भी गीत की धुन को नहीं बजा सकते, वो स्वरों के क्रम को बजा सकते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे पलटा कहेंगे या जिसको हम अलंकार कहेंगे। तो भील, जाट या और जो चरवाही जाति के लोग हैं वो इसको जब बजाते हैं तब वो सिर्फ पलटे या अलंकार बजा सकते हैं।
वस्तुतः मुरली को आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों के पास में, और ये खास तौर से जो सांप को पालने वाली जो सफेरा वर्ग है और सफेरों के साथ जो काम लेते हैं वो चीज़ है। लेकिन सांगीतिक दृष्टि से समझने से ये चीज़ महत्वपूर्ण महसूस होती है कि जिसमें बहुत बड़ा तुम्बा होता है वो नीचे सुर की होती है, उसको आगोर कहा जाता है। उसके बाद में कुछ छोटा तुम्बा होगा उसको मानसुरी कहा जाता है, और उसके बाद में जैसा कि आप इस वादी के अंदर देखेंगे यहां बजते हुए आप देखेंगे कि तुम्बा बहुत छोटा है और इसको टांकी कहा जाता है। तो टांकी बहुत ऊंचे सुर पे होती है, उसके साथ पे गाया जाना पॉसिबल नहीं होता है। आगोर और मानसुरी के ऊपर लड़कियां या छोटे बच्चे इतने ऊंचे सुर के ऊपर गा सकते हैं। मुरली के अंदर सिंगल रीड्स लगी हुई होती हैं और उसको फूंक के द्वारा बजाया जाता है, लेकिन इसको भी नक्शासी से बजाया जाता है, जैसे कि आपने देखा सतारे के अंदर और अलगोजा के अंदर है, उसकी विधि वही है फूंक देने की। इसलिए कि ये एक और महत्वपूर्ण बात होगी जानने की कि लंगा जाति के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक जाति वो है जो सारंगी लंगा अपने आप को कहते हैं, अर्थात जो सारंगी के ऊपर बजाते हैं और सारंगी के ऊपर गीतों को गाते हैं। दूसरे लोग अपने आप को सुरनई लंगा कहते हैं, और सुरनई लंगा सुरनई बजाएंगे, मुरली बजाएंगे, सतारा बजाएंगे, ये वाद्य तो वो बजाएंगे लेकिन वो गाएंगे नहीं। तो मुख्य रूप से इस प्रकार के जो सुशीर वाद्य हैं वो सुरनई लंगों के अंदर अधिक प्रचलित हैं। यूं लंगे भी बजा रहे हैं और यूं मांगणियार भी बजा रहे हैं, लेकिन जहां तक सुरनई लंगों का प्रश्न है वे केवल इन्हीं वाद्यों को बजाते हैं। तो मुरली और सतारे की कथा के बाद में, लेकिन जहां तक इसके ऊपर बजने की चीज बजने का जहां तक प्रश्न है, तो चीजें ठीक वही बजती हैं कि जो लंगा या मांगणियार या अन्य किसी भी जाति का जो अपना संगीत है उसी संगीत के मेलोडिक फॉर्म को, उसके धुन के फॉर्म को इसके ऊपर बजाया जाता है। Thank you.
कमायचा एक प्रकार का तत्ववाद्य है जो गज के द्वारा बजाया जाता है। सारंगी सामान्यतया सभी लोगों के देखने में आई हुई चीज़ है, उसके अंदर जो उसकी तबली है उसके अंदर एक प्रकार का घुमाव नीचे की तरफ पे है, लेकिन कामायचे के अंदर हमको वो घुमाव नहीं मिलता है। एक लंबी बड़ी तबली उसके साथ में लगी हुई होती है और उसके ऊपर इसीलिए उस तबली की बनावट के कारण उसके ऊपर जो गज का काम है उसके गज के काम को भिन्न प्रकार से करना पड़ता है। तो कामायचा और सिंधी सारंगी को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि एक लंगा जाति के हाथ के अंदर चीज़ रही, पेशेवर रूप से रही और अनुवांशिक रूप से रही, वंश परंपरा के अनुसार रही, मांगनेरों के पास कामायचा रहा। प्रमुख बात यह है कि इनका जो कामायचा वाद्य है वह एक अत्यंत विकसित अवस्था का सांगीतिक संपूर्ण वाद्य है, और चूंकि जो संभावनाएं गज के द्वारा और इस वाद्य के द्वारा संभव है वे चीजें भी इनके गायन और वादन के अंदर पहुंची हैं। Thank you.
बाबूजी की पढ़ एक लंबी कथा है, एक ओरल एपिक है, अर्थात एक मौखिक महाकाव्य है। बाबूजी 14वीं शताब्दी के अंदर हुए थे, मारवाड़ के एक गांव कालू के अंदर। बाबूजी की कथा को आज रात रात भर गाया जाता है, इनकी बहुत बड़ी मान्यता एक दैविक पुरुष के रूप के अंदर है। इस कथा को कहने में अनेकों प्रकार के प्रयोग पिछली 5 शताब्दियों में होते रहे हैं। एक प्रयोग उनका ये है जिसको कि बाबूजी की पढ़ कहा जाता है। इस पढ़ पर या एक कपड़े पर, लंबे कपड़े के ऊपर जो करीब 3.5 फीट चौड़ा और करीब 18 फीट लंबा होता, जिस पे बाबू के द्वारा किए गए कार्यों का अंकन होता है, उसका सचित्रीकरण होता है, जिसको पढ़ कहा जाता है। पढ़ को राजस्थान के अंदर यह कहा जाता है कि पढ़ बांची गई अर्थात पढ़ी गई, जो जो चित्र लिखित हैं उसको पढ़ा जाना, उसको बांचा जाना पढ़ कहलाती है, और ये बाबूजी की पढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार की एक दूसरी पढ़ और भी है जो बगड़ावत या देवनारायण की पढ़ के नाम से जानी जाती है। तो पहली महत्वपूर्ण बात तो ये हुई कि इस कथा को कहने के अंदर एक चित्रित वस्त्र है, एक चित्रित कपड़ा है, एक पट्ट है कि जिसके ऊपर ये कथाएं, ये उनकी जीवन की घटनाएं लिखित हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ जो वाद्य बजता है उसका नाम है रावण हत्ता। तीसरा पक्ष यह है कि इसकी कथा को अंत तक कहता कौन है। कहने वाले लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार के दल हमको मिलते हैं, इसमें से प्रमुख एक दल है जो अपने आप को नायक कहता है और थोरी भी कहता है। इस नायक समुदाय में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। रावण हत्ता बजाने का काम पुरुष करता है और उसके साथ गाने का कार्य स्त्री करती है, और इस कथा को कहा जाता है। दूसरा एक स्वरूप और है जिसके अंदर की सामान्य भील, जो मैदानी इलाके की या रेगिस्तानी इलाके की भील हैं, वहाँ पे इस कथा को कहा जाता है और वहाँ पे भील लोग ही इसको गाते हैं, और उस हालत के अंदर दो पुरुष इस कथा को गाया करते हैं, लेकिन इसमें से एक पुरुष स्त्री वेश धारण करता है और वो नाचने का कार्य करता है। तो बाबूजी की कथा का जो अंश आप यहाँ पे देखेंगे उसके अंदर वो अंश है कि जहाँ पे दो हाथों के अंदर दो थालियां लेकर के, दो दो थालियां लेकर के उसको किस प्रकार संतुलित किया जाए, इस प्रकार के नृत्य को लेकर के यहाँ पर आप प्रस्तुति देखेंगे। Oh,
वापसी की पड़ के साथ जो रावण हत्या बचता है, इसमें कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो समझने की ये है कि ये एक लंबे बांस के साथ एक नारियल की आधे नारियल का हिस्सा लगा हुआ है, लेकिन अगर हम नीचे से इस वाद्य को देखें तो हमको पता लगेगा कि नीचे एक जगह जहां पे तार बंधे हुए हैं, ऊपर जाकर के जो इस वाद्य की खूंटी है उस खूंटी से सीधा बंधा हुआ है। आप किसी भी दूसरे बो इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे या जो जिसके साथ में गज काम आता है ऐसे वाद्य को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जहां से नीचे से तार आ रहा है वहां पे एक घोड़ी या एक ब्रिज है, और एक ऊपर की तरफ आप देखेंगे तब वहां पे भी आपको एक ब्रिज दिखाई देगा। यहां पे हमको लोअर ब्रिज जो निचले वाली घोड़ी है वो एकदम दिखाई देती है, ऊपर वाली घोड़ी नहीं है, वो सीधा जो खूंटी है जो पैग है उसी पैग के ऊपर बंधा हुआ ये वाद्य है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दो मुख्य तार हैं जिसके ऊपर की गज चलता है। इसके बाद में 5, 7, 9, 11 या 14 तक सिंपैथेटिक स्ट्रिंग होती हैं, या जिसको हम तरब कहते हैं या रागनी की, ये जो लोग कहते हैं वो रागनी की तार जिसको कहते हैं वो इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। सामान्यतया गांवों में इसको बजाने वाले लोग इसका नाम रावण हत्ता नहीं लेते हैं, ये अपने गांव में अंदर इसको गुजरी कहते हैं या नारेली कहते हैं। नारेली और रावण हत्या के अंदर एक थोड़ा सा भेद है कि गुजरी हमेशा छोटी होगी और इसके जो बो है वो अर्धचंद्राकार होगा, ये एक कर्व वाला नहीं होगा बल्कि एक पूरा चंद्राकार रूप के अंदर होगा, जिसके ऊपर बहुत अधिक घुंघरू बंधे हुए होंगे, ये इसकी विशिष्टता होगी। लेकिन इसके बाद में अगर सांगीतिक दृष्टि से इसको और आगे देखने की कोशिश करेंगे तो हमको ये पता लगता है कि जब गुजरी बजाने वाले लोग अपने वाद्य को मिलाते हैं तो उसके साथ जो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग है उसको छेड़ करके कान से नहीं मिलाते हैं, बल्कि वो आंख से देखते हैं कि जो सिंपैथेटिक स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा वाद्य हमको और कोई दूसरा नहीं मिलता। Thank you.
வீரஞ்சேரி வரும் வெள்ள குதிர அழகா விளையாண்டி வரும் நிலவேணி குதிர வீரஞ்சேரி வரும் வெள்ள குதிர அழகா விளையாண்டி வரும் நிலவேணி குதிர சேர தொழை ஏறி வரும் செல்ல குதிர சேர தொழை ஏறி வரும் செல்ல குதிர மதுரை தீர சேரும் தெய்வ குதிர வீர ஏறி வரும் வெள்ள குதிர அழகா விளையாடி வரும் நிலவேணி குதிர பாண்டியன் ஏமாந்த பச்ச குதிர உமா பரமசிவன் ஏறி வந்த பரியன குதிர பாண்டியன் ஏமாந்த பச்ச குதிர உமா பரமசிவன் ஏறி வந்த பரியன குதிர மகாபுரிஜம் வரும் பல்கி குதிர தட்டமுட சத்ரபதி தந்த குதிர தட்டமுட சத்ரபதி தந்த குதிர தஞ்சை சரபோஜியும் மகராஜன் தந்த குதிர வீர ஏறி வரும் வெள்ள குதிர அழகா விளையாடி வரும் நிலவேணி குதிர குதிரையிலாக ஓடி வரும் ஊட்டி குதிர இது உங்களோரும் பெங்களோரும் பார்த்த குதிர வீரஞ்சேரி வரும் வெள்ள குதிர அழகா விளையாடி வரும் நிலவேணி குதிர பந்தயத்தில் ஜெயித்து வந்த பாரி குதிர வானில் பறந்து வரும் மிக நல்ல சிறந்த குதிர பந்தயத்தில் ஜெயித்து வந்த பாரி குதிர வானில் பறந்து வரும் மிக நல்ல சிறந்த குதிர அந்த மிகு அஸ்வமேதையாக குதிர அந்த மிகு அஸ்வமேதையாக குதிர மிக அதிசயமா கர்ணம் போடு சர்க்கஸ் குதிர பாண்டியன் ஏமாந்த பச்சை குதிர உமா பரமசிவன் ஏறி வந்த பரியன குதிர என்ன புள்ள ரெண்டு குதிரையும் திடீர்னு நின்று போச்சு அது வந்து வச்சா நம்ம குதிரை பத்தி இவ்வளவு பிரமாதமா பாடணும்ல ஆமா இப்படியாப்பட்ட குதிரை ரெண்டும் யாருக்காக வந்த குதிரைன்னு சொல்லவே இல்லையே அதுவா இப்ப சொல்லுங்க சொல்லு பாப்போம் மாணிக்க வாசகர்காய் வந்த குதிரை
பயன் தருமே பயன் தரும்.